नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की फटकार का असर नहीं, अलीगढ़ में गोरक्षा के नाम पर चार लोगों की पिटाई, पशु चोरी का आरोप लगाकर किया पुलिस के हवाले। यूपी चुनाव से पहले पाला बदल का खेल जारी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चार मुस्लिम विधायकों ने बीएसपी का थामा दामन, कांग्रेस विधायकों को क्रॉस वोटिंग में किया गया था निलंबित। केरल के अलपूझा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की कार ने बुजुर्ग को कुचला, ट्वीट कर घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बिहार के लखीसराय में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद, कई नक्सलियों के घायल होने की खबर, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अभियान किया तेज। और जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने पर सख्त हुआ पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन स्थलों पर डेंजर जोन बनाने की वकालत, राज्य सरकारों से सावधानी बरतने की अपील। गोरक्षा के नाम पर कथित तौर पर मारपीट करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी फटकार के बमुश्किल तीन दिन बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथित गोरक्षकों ने वाहन पर भैंस ले जा रहे चार लोगों के साथ मारपीट की। बजरंग दल के नेता की अगुवाई में गोरक्षकों की भीड़ ने पुराने शहर में जिरोली गांव के नजदीक एक भैंस लादकर ले जा रहे चार लोगों को संदेहास्पद गतिविधियों के आधार पर मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि पकड़े गए लोग पशु चोर हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के तीन विधायक और समाजवादी पार्टी के एक विधायक बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी में शामिल होने वाले ये सभी विधायक मुस्लिम हैं। बीएसपी के सीनियर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बीजेपी के एक पूर्व एमएलए अवधेश वर्मा भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो तीन विधायक बीएसपी में शामिल हुए हैं, उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से निलंबित किया था। केरल के अलपूझा में बुधवार को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की एक कार ने एक स्कूटर सवार को कुचल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ये स्कूटर 62 साल का एक बुजुर्ग चला रहा था। सिंधिया कोची से अलपूझा जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में शामिल गाड़ी से हुए हादसे में एक शख्स की मौत के बाद उन्हें ट्वीट कर दुर्घटना पर दुख जताया है। ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि हादसे के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, साथ ही अब पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे हैं। दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2014 का आदेश जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 अगस्त को आदेश देने को बात कही है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के फैसले में हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। 14 अगस्त 2014 को आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अंतरिम आदेश था, जो जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से दिया गया था। बिहार में लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। वही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। हालांकि एक भी नक्सली के पकड़े जाने की अभी तक कोई खबर नहीं है। शहीद जवान का नाम अजय मंडल है, जो कि भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान घोघर घाटी में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मुठभेड़ में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच काफी देर तक फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की बात बताई जा रही है। जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने पर पर्यटन मंत्री सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर डेंजर जोन बनाए जाने चाहिए। देश में सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि इसे लेकर सावधानी बरती जाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, देश के सभी पर्यटक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोकने को लेकर कानून बनाने की पहल भी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।